दुनिया में पहली बार एक अजीब तरह का जीव मिला है। ये आधा कुत्ता आधी लोमड़ी दिखता है। इसके बारे में तब पता चला जब ब्राजील में एक कार एक्सीडेंट में ये घायल हो गया। ये मादा जीव था जो कुत्ते और लोमड़ी की क्रॉस ब्रीड है। डॉक्टरों ने इसे डॉग जीव नाम दिया है। पृथ्वी से लेकर सागर में कई ऐसे जीव हैं जिनसे आज तक दुनिया अनजान है। अब ब्राजील में दुनिया का पहला ऐसा जीव मिला है जिसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। ये दिखने में आधा कुत्ता और आधी लोमड़ी है। इसे डॉग और फॉक्स का क्रॉस ब्रीड बताया जा रहा है। ये पहली बार है कि लोमड़ी और कुत्ते की क्रॉस ब्रीडिंग का मामला सामने आया है। जेनेटिक टेस्ट में पता चला है कि इसके पास 76 क्रोमोसोम्स हैं, वहीं लोमड़ी में 74 और कुत्ते में 78 होते हैं, यानी इन दोनों के बीच का मिश्रण इसमें है। डॉक्टरों की टीम ने इसके बारे में एनिमल्स जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित की है। डॉक्टरों ने इसे डॉग जिम नाम दिया है। बता दें कि इसका खुलासा तब हुआ जब एक शख्स अपनी कार से ब्राजील की पहाड़ी पर घूमने गया था। वापस आते समय इसकी कार एक अजीब मादा जीव से टकरा गई थी जिससे वो घायल हो गई। इसके बाद कार चालक ने इसकी सूचना पशु विभाग को दी जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। जब घायल डॉग जिम को अस्पताल पहुंचाया गया तो इसके बारे में पूरा सच बाहर आया। डॉक्टरों ने उपचार के बाद डॉग जिम का जेनेटिक डेटा जमा किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि इसकी मां पैंपास लोमड़ी थी, वहीं इसका पिता एक पालतू कुत्ता। जांच के दौरान वैज्ञानिक कुछ समय हैरान रह गए जब इसके अंदर कुत्ते और लोमड़ी के जीन्स मिले जिसकी वजह से इसके शरीर का आकार रंग सब मिला जुला दिखता है। इसके अंदर दोनों जानवरों का व्यवहार भी पाया गया है। इसके कान बेहद नुकीले, मोटे और फर वाले हैं। साथ ही इसका मुँह बेहद लंबा है। क्रॉस ब्रीड होने के बावजूद ये जीव इंसानों से भागती नहीं है, ये इंसानों से प्यार करती है, लोगों की गोद में रहना पसंद करती है। थपथपाने पर ये खेलने लगती है। जांच के दौरान वैज्ञानिकों ने इसे जब खाना दिया तो इसने नहीं खाया, इसने जिंदा चूहे खाए। साथ ही कुत्ते की तरह भौंकने लगी है। इसने काफ़ी देर तक खिलौनों से खेला। इसकी चाल ढाल पूरी तरह लोमड़ी जैसी पाई गई। घायल डॉग जिम का इलाज करने वाली फ्लाविया फरारी के अनुसार यह एक अद्भुत जीव है। हाइब्रिड होते हुए भी कमाल की दिखती है। किसी जंगली कुत्ते में जो आक्रामकता हो दिखती है वो इसमें नहीं है। ये बेहद शर्मीली है। इंसानों से तभी घुलती मिलती है जब उसे अपनापन दिखाई देगा। इलाज के दौरान ये वेटरिनरी डॉक्टरों और स्टाफ से घुल मिल गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।